तो हे गाइस गुड नून, एक्चुअली मैं आज आया हुआ था सर्विस करवाने और मैं गाड़ी दी थी आई थिंक 4 बजे के आसपास और अभी मेरी गाड़ी सर्विस होने वाली है। मैं सोचा यार बात बात करवा ले क्योंकि टूर में जा रहे हैं तो थोड़ी सर्विस होनी चाहिए गाड़ी की। तो मैं भी मुँह धोकर आया, थोड़ा गर्मी इतनी हो रही थी तो थोड़ा चिपचिपा सा मुँह हो रहा था, मतलब ऑयली ऑयली था। तो देखते हैं अभी मैं गया हूँ सर्विस करवाने के, दी है गाड़ी, अब कब तक देते हैं क्या है। आज भीड़ भी बहुत है यार, रश बहुत है यार, अभी देखो गाड़ियाँ इतनी लगी हुई बाहर। ये भी मतलब ये भी वॉशिंग वोशिंग आधी वॉशिंग हो गई आधी नहीं हुई है। तो अब ये इनका गैराज है, देखो ना कितनी गाड़ियाँ अभी भी लगी हुई हैं, मतलब पेंटिंग नहीं रही। तो देखते हैं क्योंकि यार टूर पे जा रहे हैं तो टूर में जाने के लिए गाड़ी सर्विस होनी चाहिए, क्योंकि आपको ना एक मज़ा ही अलग आता है गाड़ी चलाने का। जो मैं यहाँ अकेला आया हूँ, बोर हो गया हूँ मैं यार। तो अभी मैंने एक भाई से बात करी, यार मेरे डंडे वंडे भी निकलवा दे, ऊपर से पैसे लग जाओ तो ले लियो, बाकी देखते हैं। तो आज एक ना हमारे एक सरदार जी ने ना मतलब सी काट दिया बहुत बड़ा वाला, वो ना मेरे से ना छुपा जा रहा। मैंने उनकी कंप्लेंट मार दी मैनेजर से, भाई देखो आपको सर्विस नहीं मिलेगी अच्छी है, देखो ये है वो। तो बहुत गुस्सा आया था उस टाइम में। और हमारे जो सर्विस करने वाले भैया हैं, मतलब जॉब कार्ड बनाने वाले, ये विश्वकर्मा जी हैं, मतलब बहुत ग्रेट बंदे हैं। तो इनसे ही बोलता हूँ सर्विस कराने के लिए कभी भी कि यार भैया मैं आता हूँ यहाँ पे कालका जी, बल्कि मेरे घर के पास है मायापुरी में, तो मैं वहाँ नहीं जाता, मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने जहाँ से मैंने गाड़ी ली थी मैं वहीं आ जाता हूँ। तो बाकी देखते हैं कितना टाइम लगता है, यहाँ से मैं फ्री होता हूँ गाड़ी कैसे आते हैं, मैं आपको गाड़ी की फ़ोटो दिखाता हूँ सर्विस होने के बाद। और टूर के लिए गाड़ी जैसे रेडी हो जाए तो बेस्ट है जितनी हो जाए। पर ना यार कॉफ़ी नहीं मिली यार मुझे यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री। तो भाइयों मैं अब निकल गया हूँ गाड़ी लेके, गाड़ी देखो भाई शाइन मार रही है, अलग ही चमक रही है। पर यार अभी ना इसमें एक चीज़ है कि ना इससे ना थोड़ा ना वायरिंग का इशू हो गया, तो कल दोबारा गाड़ी लानी पड़ेगी शोरूम पे। तो अभी मैं तुम्हारा भाई चाय पी रहा गर्मा गर्म, देखो चाय बन रही है नुक्कड़ पे। अब यहाँ से निकल रहा हूँ मैं और कल दोबारा आऊँगा ऑफिस, यहाँ से गाड़ी खड़ी करके फिर ऑफिस जाऊँगा और देखते हैं फिर क्या सीन होता है अभी। और मैं अभी इस टाइम में आश्रम पे ही हूँ भाई, सुबह से थक गया है यार, आँखें दर्द हो गई हैं, धूप इतनी है, गर्मी इतनी फट गई। तो अब वो कल कह रहा कल आ जाओ सर इसकी वायरिंग का इशू, और देखो वायरिंग का गाड़ी के इशू में अगर जाओ तो बहुत दिक्कत होती है। अगर आप टूर में जा रहे हो तो गाड़ी आप प्रॉपर टर्न रखो। मैंने उसको बोला भाई सर्विस के पैसे कम दिए, मैं टॉपअप किया उन्होंने, बट मेरी एक चीज़ जो मुझे जो दिक्कत थी एक ठीक हो गई, एक रह गई मेन थी विंड, कल देखते हैं कल बात करते हैं। तो भाइयों मैं निकल चुका हूँ यहाँ से, गियर कम हो गया था। तो भाइयों मैं निकल चुका हूँ यहाँ से और रोड में भी ट्रैफिक है इस टाइम यार, बल्कि अभी टाइम 8:50 हो गए। आज सर्विस वालों ने यार दिमाग ख़राब कर दिया यार, हम कह रहे कल आओ यार, कल दोबारा पेट्रोल फूक के जाना पड़ेगा। इसके ऑफिस के थ्रू जाऊँगा तो मैंने चाय वाय पी अभी और चिंगम खा रहा हूँ अभी, देखते हैं हम यहाँ से इंडिया गेट होते हुए अपने जनकपुरी पहुँचेंगे। तो काफ़ी रश है यार, अब देखो भाई फुकरे इतने घूम रहे हैं ना, इतने फुकरे घूम रहे हैं पूछो मत, बहुत जाम है यार अभी भी इस टाइम। हाँ ये गाड़ी है कि स्मूथ चल रही है, ऐसे में उन्होंने टॉप अप ही करा। देखो यहाँ से चल रहे हैं, निकलते हैं अपने एरिया में और फिर मिलते हैं घर पहुँच के, ब्लॉग एंड करेंगे तब। अभी घर पहुँचा हूँ और बस मैं बहुत लेट हो गया, अभी मुँह हाथ धो के बस लेटा ही हूँ। और तुम मानोगे नहीं यार आज ऐसी हालत हो गई कि यार थक गया यार वहाँ पे, बल्कि गाड़ी का भी पूरा काम नहीं हुआ। हाँ सर्विस हुई, अच्छी चल रही थी गाड़ी। और तो मेरी गाड़ी में इशू ये हो रहा था कि यार मुझे ना मतलब मेन था मेरा गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं वो ना मतलब नॉर्मल में चल रही थी, हाई बीम में नहीं चल रही थी। तो अब वहाँ ले गया दिखाने के लिए कि ऐसा ऐसा सीन है, ये है वो है, तो बताया उन्होंने 3-4 बारी उन्होंने सॉकेट भी चेंज किए, उनके सॉकेट्स होते हैं शायद पैडल वायरिंग, पता नहीं कौन सी कोई पैडल वायरिंग मुझे पता नहीं, पैडल या पैडल जो भी है, तो जो वायरिंग होती है उस वायरिंग में इशू निकला। तो उन्होंने 3 सॉकेट लगाने के बेचारों के 3 सॉकेट भी ख़राब हो गए। और सबसे बड़ी बात है मैं गाड़ी के कागज़ भी भूल गया यार वहीं पर, पानी की बॉटल थी वो भी भूल गया,
मतलब अपना सामान ही भूल कर आ गया, मेरा इवन गॉगल्स भी भुलक्कड़ तो था। हो ही तुम। कुछ बोल रही है मैडम वहाँ की, हम भुलक्कड़ है तो हाँ मैं भुलक्कड़ हूँ, बट क्या कर सकते हैं। और रही बात ट्रैफिक का, तुम कहते संडे को ट्रैफिक कम होता है, और संडे में यार बहुत ट्रैफिक था यार, आते हुए हालत ख़राब हो गई। इवन लगा लो मैं निकला था वहाँ से 8:15 में, और मैं घर पहुँचा हूँ अराउंड 9:30, तो मतलब लगा लो मतलब रात को ट्रैफिक नहीं होता है, और इवन मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं, बट ट्रैफिक था यार आज रोड में, पता नहीं क्यों। मॉर्निंग में जाते हुए ट्रैफिक था, शायद मुझे मिला, कई एरिया में नहीं होगा कहीं जहाँ से आप लोग गए हो, बट मुझे मिला उस एरिया में ट्रैफिक बहुत रहा, जो जनकपुरी टू फरीदाबाद वाला। मैं अपना चार्जर ले जाने भूल गया, मेरे फ़ोन में बैटरी अभी 5% है, कभी भूल गए, कभी ये भुलक्कड़ देखो। हाँ क्या, सभी भूल गए भुलक्कड़ हाँ में। तो मैं जब घर आया, मैडम भी अपनी वीडियो बना रही थी आर्ट की, अब दिखाता हूँ बनाए, ये सामान है सारा एसेसरीज है, तो ये बनाया मैडम ने, अभी भी कुछ काम चल रहा है, थोड़ा शायद कुछ पार्ट रह गया है वीडियो का। क्या बनाया मैडम आपने, फ्लावर बास्केट शक्ल नहीं दिख रही आपकी ये तो ये फ्लावर बास्केट बनाई है इनके स्टूडेंट्स के लिए भी, काफ़ी मतलब जो मैडम को फॉलोस करते हैं, मतलब मैम को फॉलो करते हैं, तो काफ़ी अच्छा आर्ट करते हैं मैम, हैंडमेड चीज़ें, हैंडमेड चीज़ें। तो गाइस प्लीज़ आप एक बार देखा करो, मैं चैनल में लिंक डाल दूंगा ये मैंने अपने बच्चों के लिए बनाई है, किसी के लिए नहीं बनाई, अपने बच्चों के लिए। स्कूल के बच्चों ओ फिर ठीक है, उनको सिखाई है बास्केट। समझ रहे हो, मैं भी तो एक बच्चा ही हूँ, छोटा सा छोटा ही हूँ मैं, नहीं हूँ, छोड़ो यार गजब बेइज्जती है। तो अभी स्पार्किंग लग रही है इसके अंदर, तो गाइस मुझे ना अभी ब्लॉग में दिख नहीं रहा है कि मतलब क्या, मुझे गाइस अभी वीडियो में कुछ दिख नहीं रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो बैटरी 5% हो गई और डिम लाइट हो गई है फ़ोन की। तो गाइस इस ब्लॉग को एंड करते हैं और कल मिलते हैं, तो बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड एंजॉय योर लाइफ, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक ज़रूर कर देना।